ये विदाई गीत है, लड़कियों की विदाई किस तरह से होती है, उसके माता पिता को क्या व्यथा सहना पड़ता है, कितना बड़ा पत्थर का कलेजा बनाना पड़ता है, जिस बेटी को पैदा किया गया और उस बेटी को बड़ा करने के बाद, पालने पोसने के बाद एकाएक जब घर से विदा करना होता है, उसका बिछोह होता है, तो परिवार जन पर उसके माता पिता पर क्या बीतती है और उसके बीते हुए दिन जो बेटी के साथ माता पिता के गुजरते हैं वो सब याद आता है। यही सब बातें इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान दें। क्या कहूँ बेटियों की विदाई, यथा क्या कहूँ बेटियों की विदाई, यथा क्या कहूँ बेटियों की विदाई।
प्रेम और प्यार का संबंध है। ध्यान दे दिया प्यार कर भर तो बहुत प्यार पाया, दिया प्यार कर भर तो बहुत प्यार पाया। है बेटी नहीं बेटा बन कर दिखाया, है बेटी नहीं बेटा बन कर दिखाया। है पराई तेजा भटा और आई गाई, तेजा भटा और आई गाई। व्यथा क्या कहूँ बेटियों की विदाई। वो बेटी अपने परिवार को किस तरह संभालती है, किस तरह सेवा करती है, इसको देखा है। सभी को पिता माँ भाई संभाला, सभी को खिला करके सबको, खिला करके सबको, तभी कुछ वो खाई कलेजा फटा और आई बुलाई, कलेजा फटा और आई। जा पटा और आ।
चाहिए उसको भूल जाते हैं, माता पिता को क्या देना चाहिए इसको देखिए किस तरह से स्पष्ट किया गया है। माता पिता अपने लड़की को क्या दे रहे हैं, ससुर सास को माँ पिता ही समझना, ससुर सास को माँ पिता ही समझना, कलेजा फटा और आई, कलेजा फटा और आई बुराई, देखा क्या कहूँ बेटियों की हालत है। जब विदाई होते देखती है तो वो भी रो देते हैं बस पक्षी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुख सारिका जान की जाए, अब कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहां ही कहां बैदेही, सुन भी रज परिहर ही नके। ये हालत बस पक्षियों की होती है। तो आगे देखिए किसी के भी बेटी विदा होते देखा, किसी के भी बेटी विदा होते देखा, कलेजा फटा और आई, कलेजा फटा और आई। We'll be right back।
जा फटा और आ कलेजा फटा।